हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं हरजस से। तो हरजस और कलम इंक का एक गाना आने वाला है जिसका नाम है नगमे। इसके अलावा रॉप्सी ने एक ट्रैक अनाउंस करा है जिसका नाम है रेमेडी, जो कि 14 जुलाई को देखने को मिलेगा। साथ ही रॉप्सी जो है वो कुछ स्टोरी भी डालता है। एन ऑनेस्ट क्वेश्चन, कर्मा एंड कृष्णा आर बोथ आर्टिस्ट ऑफ कलमकार। कृष्णा के गाने खुद के चैनल पर आते हैं, पर कर्मा का चैनल 2 साल से डेड क्यों है? इज ही नॉट एज फीजिबल एज हिज लेबल मेट? कर्मा कृष्णा से बेटर है? तो अब बात कर लेते बेला के बारे में। तो बेला के 2 कोलैबोरेशन कन्फर्म हो चुके हैं। तो फर्स्ट है हरजस के साथ में, तो इसकी वो स्टोरी डालता है, बेला एक्स हरजस लोडिंग। साथ ही उनका वॉइड के साथ एक ट्रैक आने वाला है जिसका नाम है बिच आई एम बैक। तो अब बात कर लेते हैं हिट जोन के बारे में। तो बंटा रिकॉर्ड से हिट जोन का ट्रैक अनाउंस हुआ है जिसका नाम है समझती नहीं। तो अब बात कर लेते हैं किट शॉट के बारे में। तो किट शॉट के जितने भी ट्रैक्स हैं, अब उनके लिरिक्स आप लोग को जीनियस पे देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कर्मा के बारे में। तो कर्मा का पॉम्फ्रेट फ्राई अभी ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे 27 नंबर पे। इसके अलावा बंटा रिकॉर्ड से जो गाना आया था हुड में तो वो भी 500K व्यूज क्रॉस कर चुका है। साथ ही प्रतीक लास्ट किंग का एक गाना आया जिसका नाम है क्यों। तो अब बात कर लेते हैं एमिवे के बारे में। तो एमिवे और सेलिना शर्मा का भी गाना आ चुका है, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। कल मुझसे ये अपडेट मिस हो गई थी। तो अब बात कर लेते हैं कृष्णा के बारे में। तो कृष्णा जो है वो कुछ ट्वीट्स करता है। तो एक भाई ने ये ट्वीट करा था कि कृष्णा का डिस्ट्रैक रेडी हो चुका है, बट अंकित खन्ना जो है वो उसको रिलीज नहीं करने दे रहा है। वो ये कहते हैं कि अंकित खन्ना की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो इस पे कृष्णा एक कैप का इमोजी ऐड करता है और ये बताता है कि ये झूठ है। इसके अलावा एक जर्नलिस्ट के लिए भी कृष्णा ने ट्वीट करा है, नीडेड टू सी दैट फेड डिसूजा एनर्जी फॉर दीज रिलीजियस किलिंग्स बट ना ऑब्वियसली नॉट। खैर, इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।